सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं सक्षम चाट और आप देख रहे हैं चाट ग्रुप यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक रेडमी नोट 7 में जो है एक नया अपडेट आ गया है उसके बारे में। तो और मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको उसमें रेडमी नोट 7 में क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए गए हैं और आपको अपडेट किस किस चीज़ों के देखने के लिए मिले हैं और ये कितना बड़ा अपडेट है और इसमें कौन सा वर्जन जो है अब रोल आउट किया गया है। अगर दोस्तों आपको अपडेट नहीं मिला तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मिल गया है तो भी आप अपना मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो ये अपडेट दोस्तों काफ़ी सारे भैया को मिल गया है और काफ़ी सारों को नहीं मिला। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस अपडेट में क्या क्या कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो सिंपली आपको अपने फ़ोन का डाटा ऑन कर लेना है। तो मैंने डाटा ऑन कर लिया। डाटा ऑन करने के बाद सिंपली मैं सेटिंग के अंदर जाता हूँ। सेटिंग के अंदर जाने के बाद मैं अबाउट फ़ोन पर जाता हूँ। अपडेट अवेलेबल दिख रहा है, सिस्टम अपडेट पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पर चेकिंग लिखा हुआ आया और यहाँ पर MIUI B वेरिजन 10.3.6.0 PFGINXM स्टेबल 587 MB का जो है अपडेट है। इसमें एक सिस्टम में अपडेट आया है जो है ऑप्टिमाइजेशन अपडेट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच टू July 2019 इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी फिक्स वोल्टी स्विच अपेयर्ड इन द रेजन्स वेयर वोल्टी इट नॉट सपोर्टेड। ये जो है इसकी एक सिक्योरिटी में अपडेट आया है। एक कॉन्टैक्ट में फिक्स कॉन्टैक्ट क्लाउड नोट डिलीटेड फ्रॉम सिम इन सम केस। एक कॉन्टैक्ट में अपडेट आया है। एक लॉक स्क्रीन स्टेटस बार नोटिफिकेशन सेड न्यू इंट्रोड्यूटिंग कस्टमाइज लॉक स्क्रीन क्लॉक सेटिंग लॉक स्क्रीन पासवर्ड एडवांस सेटिंग न्यू लॉक स्क्रीन क्लॉक डज नॉट वर्क विद थर्ड पार्टी थीम फिक्स मीडिया वॉल्यूम क्लाउड बी रिस्टोर्ड आफ्टर रिसीव नोटिफिकेशन। एक इसमें लॉक स्क्रीन और स्टेटस बार और नोटिफिकेशन में तीन अपडेट किए गए हैं। गेम स्पीड बूस्टर फिक्स हैंड फ्री कॉल डायरेक्शन वाज नॉट डिस्प्लेड क्लैरिटी इन गेम टर्बो। आपकी गेम स्पीड जो है काफ़ी अच्छी कर दी जाएगी इसको अपडेट करने के बाद। MI क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन इम्प्रूव सेंस अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस और MI क्लाउड में अपडेट आया है। 1, 2, 3, 4, 5 ये जो है हमारे 5 अपडेट है। तो मैं सिंपल यहाँ पर डाउनलोड अपडेट पर जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लिखा गया डाउनलोडिंग। यहाँ आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। आप जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करोगे ये हमारी डाउनलोडिंग नीचे लिखा हुआ आ रहा है और ये 2% होगी 3% होगी। दोस्तों तब तक ये हमारी राउटिंग 100% होती है, तब तक मैं अपने फ़ोन को जो है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो है हमारा 100% डाउनलोड हो गया है और ये डिएक्टिंग लिखा हुआ आ रहा है और ये भी 100% होने वाला है। दोस्तों मैं जो है अपने फ़ोन रेडमी नोट 7 की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो तब ये स्विच ऑफ होगा तो मैं आपको इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है नहीं दिखा सकता। तो मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझा दूंगा और दोस्तों ये स्विच ऑफ होगा, इसके बाद 1-2 मिनट इसमें लाउडिंग होगी और सब ऐप हमारी रिलोड होगी, उसके बाद हमारा फ़ोन ओपन होगा। तो अब मैं आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं रिबूट सिस्टम नाउ पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों आपने देखी एनिमेशन की वीडियो। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी एनिमेशन वाली तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों आप देख सकते हो मेरा फ़ोन जो है पूरी तरह से अपडेट होकर ओपन हो गया है। तो मैं सिंपली आपको नोटिफिकेशन बार में दिखा देता हूँ। अपडेट MIUI सक्सेसफुल टेप टू व्यू अपडेट इन्फॉर्मेशन। मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया। व्हाट्स न्यूज़, ये देख सकते हो इसमें न्यू फीचर जो है ऐड किए गए हैं। मैं सिंपली अपने फ़ोन की सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद मैं अबाउट फोन में सिस्टम अपडेट में नो अपडेट अवेलेबल MIUI 10.3.6.0 स्टेबल हो गया है, ठीक है। और ये हमारे फ़ोन में जो है सिस्टम ऐप अपडेट जो है ये 2 ऐप का अपडेट भी आया है, थीम्स MI फ़ोन टेस्टर। तो मैं इसके अपडेट ऑल कंटिन्यू कर देता हूँ और दोस्तों मैं इनको भी अपडेट जो है कर देता हूँ। आप देख सकते हो मेरी MI फ़ोन टेस्टर जो है वो अपडेट हो गया है। अपडेट होने के बाद इंस्टॉल भी हो गया है और मेरी थीम्स जो है वो डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों ये इंस्टॉलिंग हो रही है। इंस्टॉल होने में दोस्तों आप देख सकते हो इंस्टॉल भी हो गई है। तो मेरे फ़ोन में जो है बिल्कुल अपडेट होकर बिल्कुल अच्छा हो गया है, काफ़ी अच्छा स्मूथ चल रहा है। तो दोस्तों ये अपडेट जो है मुझे आज से 3 से 4 दिन पहले अपडेट जो है मुझे मिल चुका था। दोस्तों मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, बट जब मुझे वीडियो बनाने का टाइम मिलता था तो मेरे फ़ोन का डाटा ख़त्म हो जाता था, जिससे मैं अपडेट कैसे करता अपने फ़ोन को।
तो इसलिए वीडियो लेट आई है। लेट आने के लिए दोस्तों सॉरी। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दी लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल कर दी सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।